YouTube चैनल Facebook पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका कन्हैया लाल आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दर्शकों, हम आज जैसे पुष्कर आए हुए हैं, मैंने सोचा कि थोड़ा सुरसरा आए थे तेजो जी महाराज के, तो थोड़ा आगे सुरसरा के नज़दीक ही अजमेर ज़िले में पुष्कर है। पुष्कर करके पुष्कर एक स्थान माना जाता है राजस्थान के अंदर। पुष्कर है वो एक तीर्थ स्थान माना जाता है, पवित्र स्थान भारत के अंदर एक ऐसा स्थान है जहाँ पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का ओनली मंदिर है और कहीं पर नहीं है। तो आज उसी पुष्कर के अंदर हम खड़े हैं, जो वो सरोवर दिख रहा है, ये सरोवर है वो पुष्कर का ही है। और हमारे साथ में जैसे हमारे सगोजी है गोपाल जी, वो भी खड़े हैं, और हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इसी साइड में खड़े हैं। और पुष्कर का स्थान बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं। और सगोजी से थोड़ा परिचय करके हम पूछताछ करेंगे। सगोजी, राम राम साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। देखो जी, पुष्कर के स्थान में जो सुना है कि पुष्कर का स्थान एक पवित्र स्थान माना जाता है, इसके विषय में थोड़ी आप दो दशकों को आप बताइए कितना महत्व है पुष्कर का। बहुत बड़ा महत्व है। पुष्कर है एक पर्यटक स्थल भी है और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। अच्छा, तीर्थ स्थल भी है और पर्यटक भी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, जैसे देश विदेशों से आते हैं। और यहाँ पे क्या है कि हर चीज़ की शांति महसूस होती है। हाँ। यहाँ जो आ जाता है अपना जो घर बार है वो जैसे छोड़कर और यहाँ घूमने के लिए आते हैं, या जैसे इस सरोवर में नहाने के लिए आते हैं, तो आत्मा को शांति मिलती है। बहुत बहुत शांति मिलती है और हर तरह का दुख दर्द है वो सब दूर होता है यहाँ पे। एक गोपाल जी, सगो जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो इसी पुष्कर के अंदर एक ही है देखने के लिए हमारे। हाँ हाँ, वो विश्व के अंदर अभी तक तो फिलहाल में एक ही मंदिर है, वो पुष्कर के अंदर है। अच्छा, पुष्कर के ही अंदर है। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करके इस सरोवर को जैसे बनाया था, तो सरोवर के नज़दीक जैसे पूजा अर्चना की थी, तो यहाँ पर ही एक ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं जगह पर ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बना और बनेगी भी नहीं। कई लोग बना देते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं आपको इसी वीडियो के द्वारा अभी थोड़ी देर बाद दिखाने की कोशिश करूंगा। अगला वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर सेवा में हाजिर होंगे। नमस्कार।